अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट आई डोंट नो कैसे लोग अपने मॉम्स को ऐसे छोड़ जाते हैं, आई डोंट नो। आपने कर ली थी आपकी कर तो गाइस ये भी ऊपर इनके रूम्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह क्लीनलीनेस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा हुआ है, अप्रिशिएटेड। और ये भी ये अच्छा ये वही है वो रूम जो ज्यादा था, मुझे बताया बाद में कि कोई भी रखी है उनको फिर से अच्छा। लेकिन इधर मुझे नहीं लगता यूजुअली आप लोग इतने वो होते, बिकॉज आपके ऑलरेडी इतने काम है, मुझे उन्होंने बताया था कि बहुत कम केसेस ऐसे होते, लेकिन होते तो फिर हमने एक ऐसा रूम बनाया है, एक है लगना पड़ता है ना, हमारे ऑनर थे कहते देखा, मैं इसलिए मना करता था कि ये मसला हो गया और वो उन्हीं के सामने बोल सकते, उन्होंने देखा कि वक्त ही ऐसे की कोशिश की गेट से बाहर भर गई, अब जल्दी सर को पता क्या हुआ कि वो आगे को देने के लिए आई और लॉक लोगों का हम
इतनी प्यारी आवाज है, बस इनका चांस देंगे आपको। अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? नहीं रो यार अम्मी, मम्मी रो रही है, हमने तो अच्छा गाना सुनाया है। तो आंसू सूख गए हमारा, तो आंसू सूख गए। हर रोज एक डेथ होती है, सेंटर इतने हैं, हजारों लोग हैं, कोई ना कोई रोजाना है हमारे, तो लोगों को भी आंसू दुनियादारी की खबर नहीं होती, सिर्फ अल्लाह से लगाओ, इनका सिर्फ अल्लाह से लगाओ। ये किस वजह से यहाँ आए हैं? सब यही प्रॉब्लम है, हाँ सबका प्रॉब्लम। अभी आप एक दिन की मेडिसिन अगर मिस कर दे, रोक दे तो ये आपस में ही लड़ लड़ते हैं। तो वो जो मेडिसिन है वो कूल रखती है, ठीक नहीं करती। हमारे पास जितने लोग आते हैं ला इलाज होके आते हैं, पूरे इलाज करा करा के थक जाते हैं, जब जवाब दे देते हैं डॉक्टर, फिर वो हमारे पास निकल जाती थी ना मेरी ये प्रॉब्लम। बेटा है, बेटी है, बेटे की शादी कर रही है, बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर खुश है, घर में नहीं रहती, पागल होके निकल जाती, घर से निकल जाना भी पता है नहीं, पता नहीं उस टाइम, हर टाइम नहीं, 24 घंटे में ऐसा टाइम। अब कई पेशेंट ऐसे हमारे चले जाते हैं, अब उनको बोलते हैं भाई वापस क्यों ना, भाई कहता है यार बराबर वालों को दोबारा करवा देता है, मेरे से शादी को कह रहे हैं, अब हम किस तरह किसको मिलेंगे, बात सुनते भी सही भाइयों की, वो क्या है? फिर जब शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप सर पर नहीं रहते, तो संभालते तो माँ बाप ही ना, भाभियाँ या ये तो आपको पता है वो अपने अपनी औलाद को संभालेगी, तो ये सारे। सो गाइस यहाँ पे जितने भी आप औरतें देख रहे हो ना, ये सब लाइलाज है। लाइलाज मतलब कि इनका इलाज पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स ने इनको मतलब वो कर दिया है, ना बोला हुआ है, तो जो वो मेडिसिन लेते ना उससे ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन उससे ये काम रहते और अपनी लाइफ हैप्पीली गुजारने की कोशिश करते हैं। सो ये है, बाकी मामा भी कम्युनिकेट कर रही है, वो आ गया खाना, खाना दें क्या ये? अभी नहीं आया है, खाना कब तक आएगा? को भूख लग रही है, सब ऐसे कर सकते सब ऐसे सब ऐसे 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 सो स्वीट यार, हम क्यों नहीं कर सकते। ये सारी हमारी मामा हमें इन सब के सबके साथ एक हम चीज करेंगे, ठीक है? हम चीज करेंगे और फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है? जब मैं बोलूंगी, ओके, 1 2 3 चीज। सब कैसे पीते हैं यार, सब क्यों? और मैंने आप सबके लिए बिरयानी बनवाई है, और आप लोगों ने मुझे खा के बताने की कैसी होगी, मैं भी आप लोगों के साथ खाऊंगी, ठीक है? चले चले जी, जज़ाकअल्लाह। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है? ये तो इतनी खामोश खामोश सी है, एक चुलबुली है और ये खामोश खामोश सी है। यही दोस्ती रंग लाती है, यही आपकी कुछ है। बोलती नहीं है, कुछ तो बोलिए। वो बोलिए जी, और मैं अपनी मदर को छोड़ के चल गया, 80 ईयर की मदर है। अल्लाह। ये फिर फेसबुक पे लोगों ने मैसेज किए, मुझे कॉल की, मैं जैसे लेने गया तो उन्होंने बताया कि अभी अभी इसका बेटा ले, सुबह लेके चले, रात सारी फुटपाथ पे बैठे थे, फेज़ 4 में पेट्रोल पंप पे शहर था, सारी रात वहाँ फुटपाथ पे लगा, तो ऐसे छूट जाते हैं, बस फोन सफेद हो जाता है ना, घर में लड़ाई जब भी हो जाते हैं बच्चों की वजह से, बहुओं की वजह से, और बच्चे बेटे भी मजबूर हो जाते हैं कभी, फिर उनमें भी खानदानी में मसला होता है। असल में होता क्या, घर में प्रॉब्लम होती है। अब ये आंटी है ना जी, अब इसकी बहन आई होगी इसको मिलने जी, कभी आप ठीक हो बहन, बोलते होगी मुझे बचा हुआ खाना देती हो, मतलब बोलते हैं हाँ। तो गाइस अब हम बिरयानी निकाल रहे हैं सबके लिए, उसके बाद सर्व करेंगे। क्या हम पहले निकाल सकते हैं और उसके बाद सर्व करें? फिर एक काम करें, आप निकालें और मैं उनको जो है ना सर्व करती रहती हूँ। सो गाइस अब हम सर्व करते हैं, आप निकालेंगे। फिर जब खाना में दिख जाता है ना खुशबू आ जाती है, तो फिर और ज्यादा दिल करता है। और बिरयानी की खुशबू है कितनी प्यारी ना, बिरयानी की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है। आपका आ रहा है
नहीं छुरी नहीं है, मुझे ना मुझे मुझे ना भूख लग रही है, मुझे ना भूख लग रही है, ये कुत्ती भाषा ना इनको नहीं देनी, जो ना नहीं देनी कलम है तेरा, भी देना लड़की जो वही यारी है ना, जो वही यारी है, छोड़ दी जो वही यारी है, सो गाइस वो खुद से नहीं खा सकती यार। आंटी आंटी खाना अब मूवी बना रहे हैं, मुझे बड़ा शौक है मूवी बनाने का। सच्ची आपको मूवी बनाने का बहुत शौक है, इतनी प्यारी है। मैं कहाँ भी हूँ, इतनी प्यारी सी आप। नहीं मैं प्यारी आप प्यारी हैं, ये प्यारी खाना खाएंगे। तो गाइस हमने ऊपर सर्व कर दिया, हम नीचे भी सर्व करें और साथ साथ भाभी खाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं जल्दी सर्व करके और फिर खाऊंगी। तो आराम से गर्म गिलास से, यहाँ से मैं दो बार ऑलमोस्ट गिर चुका हूँ पर अभी क्या कर सकते हैं, मजा तो गेट नहीं है, मजा तो आ रहा है, कैमरा मैन है हम आज के लिए। यार मुझे मुझे निकाल दे क्योंकि मैंने इनके साथ खाना है, मेरा बहुत दिल हो रहा है जी, काफी बहुत है। तो अभी यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं, ये सारे सब बिरयानी दिलवा दी हमने, और ये एपी बैठ के भी यहाँ पर खा रही है। और कितने आए सब हो गए, यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम जो है अपने डोनेशन के जो पैसे हैं वो उन्हें देंगे और इनसे अलविदा बोलेंगे। तो बिरयानी तो बहुत अच्छी है इन सबको, आपको भी अच्छी लगी ना, आपको भी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी, सबको ऑलमोस्ट मिल चुकी है, देख सकते हो आप लोग जिनको भूख लगी थी सबको मिल रही है। दिला से खा के बताओ, टेस्टी है ना, कि बिल्कुल वो वाली वो जो इज्मा को पसंद है, खराब है तो इज्मा का है। अंकल वगैरह भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सबका हो गया है ना, सबका हो गया ना ऑलमोस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने पेट भर के खा लिया। और बिरयानी ये ना यहाँ पर किसी क्या वसूल करते हो, तस्वीर बना सहारा ले ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है बट इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उससे ज़्यादा और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अमाउंट की बात नहीं होती, जज्बे की बात होती है, आपका जो जज्बा है इंसानियत की खिदमत का, मैं उसको सलूट करता हूँ। आप आएंगे ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसान किसी भी टाइम निकाले, आप इतनी दूर से आई, इन लोगों का आज इतना प्यार किया, ये सारे बेसहारा लोग थे, आज जो बेचारे आपके साथ बैठ के इन्होंने इंटरटेनमेंट किया, इतने खुश हुए, और आपने खुद देखा उनके चेहरे पे, आपके लिए से रौनक आ गया और रौनक बहुत शुक्रिया जिला करना, आप इस अदारे का बाजू है, मेरा ये फर्ज भी है, सिर्फ ये सबका है फर्ज, जी जी हर इंसान का फर्ज है इंसानियत की खिदमत करना। तो आप आए हैं, बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह ताला इसका अजर दे, आप कितने कदम चल के आइए इस अदारे के लिए, हर कदम लेकिन आपने जो है मुझे अपना बैंक अकाउंट भी भेजना है, अगर मैं यहाँ नहीं भी हूँ तो आई मेक श्योर कि मंथली आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर देम एंड आई वांट टू बी योर क्या बोलते हैं पक्की पक्की कंट्रीब्यूटर। ओके गाइस तो अब हम सबसे बाय बाय बोलते थे, ठीक है, थोड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, थोड़े लोग नहीं है, सही है, तो सब चले गए आई थिंक मेडिसिन वगैरह खा कर, अभी देखो बहुत सारे लोग इधर सो गए हैं, तो अभी इनका रेस्ट का टाइम हो रहा है, देखो सब सब लेट गए हैं, सो गए हैं, ये तो खाना खा के नींद भी बड़ी अच्छी आ रही है, नहीं खा सकते बहुत लिमिटेड है, बोलने लगा था मैं नसीब अच्छे करे, मैंने कहा आप बोले उनके बच्चे शादी होगी, नहीं नहीं मैं इंशाल्लाह अपने फियांसे को भी लेकर आऊंगी, दिल से पकड़ ली उन्होंने आपकी मामा,
चले जाना आपके आ गई आपकी गाड़ी। जी जी मेरी गाड़ी आ गई है। आराम से मैं इधर से गंदा कर दिया इन्होंने। ओके गाइस नमस्ते। हमको गुस्सा आता है जी, गुस्सा आता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हो जी। ये जो बालों खुले बालों वाली बैठी थी काली जी जी झूले पे जी, इतनी अच्छी फैमिली की है माशाल्लाह, देखे ना गुस्सा आता है। अभी ईद पे मैंने इसके माँ को रिक्वेस्ट करी कि आप दो दिन के लिए ले जाए, लेके गई रात 2 बजे फोन आ गया तो उसने पूरे डाइनिंग टेबल डाइनिंग कमरे को बेड़ा कर कर दिया, शीशा तोड़ दिया, LCD तोड़ दी है, सब कुछ। ये जो खुले बाल वाली हंसती रहती साहब, हाँ 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 वो बोली थी मुझे ब्यूटीशियन बनना है, कभी कुछ बनना है कभी कुछ बनना है, ये चीज़ें तो उसके अंदर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंटर में, नेक्स्ट सेंटर में बहुत अच्छा लगा जी। आगे बुरी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब वैसे आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है माशाल्लाह। जिस काम के लिए आए थे अच्छे से हो गया है। मामा आपको कैसा लग रहा है? दिल को बहुत सुकून मिल रहा है ना भाई, बहुत सुकून मिल रहा है। रोना भी आया मुझे, मुझे भी, मैं तो अपने आंसू को ना इतना वो, पता है सर क्या बोल रहे थे कि हमारे आंसू तो खुश्क हो चुके हैं, सूख गए हैं आंसू, खुश्क हो चुके हैं। सो गाइस अब घर जाते हैं एंड देन अपना जो है ना मैं व्लॉग एंड करूंगी। ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारा मुझे इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी, बट दिस इज समथिंग के सो बेसिकली अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट आई डोंट नो कैसे लोग अपने मॉम्स को ऐसे छोड़ जाते हैं, आई डोंट नो। बाकी आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके अगर आप में से किसी को मतलब डोनेशन के लिए इधर करना हो तो they are very needy, they are in need, और ये बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं सबका, ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो ये वो। तो आई हैव नो वर्ड्स, बट मैंने ये दिल में ठानी ही है बात कि हमारी एनिवर्सरी हो या फिर कोई स्पेशल डे हो, मैंने कुछ ना कुछ अच्छा करना है, बिकॉज आपको जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो आपको बड़ी सेलिब्रेशन करके, केक कट करके, ये कट करके वो नहीं मिल सकती। सो जो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, मेरी इनर सेटिस्फेक्शन इसी से ही है, एंड मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत दिल उदास भी हो रहा है, अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन बस मैं अब व्लॉग अपना इधर ही एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल सो मच, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। दिस इज अ स्पेशल व्लॉग डेडिकेटेड टू आप सबको, क्योंकि अल्लाह की वजह से और आप सबकी वजह से मैं हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं आगे सर्व कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, एंड आई थिंक कि सबसे बेस्ट तरीका था अपने आप अपनी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने का, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उनके साथ गई, बैठा, खाई, वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं जा रही हूँ, बाय, वी लव यू। पता है मैं यही बोलने वाली थी, सबसे बड़ी बात इज नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने पैसे दे दिए, आप वहां गए हो, आपने उनके साथ खाना खाया, यू नो जब किसी का पेट भरता है ना आपकी वजह से, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, आपको इतना सुकून फील होता है ना। मैं जैसे यहाँ पे मतलब मैं बताती नहीं हूँ ये चीजें, बट मेरी फैमिली को भी पता है, मेरी मम्मा हमेशा बोलते हैं, मेरी फैमिली को पता होता है कि मैं हर वीक या मंथली ये चीजें ऐसी चीजें कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मेरे लेवल पे जितना मैं कर सकती हूँ। कुछ भी हो गया, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरी फैमिली में किसी का बर्थडे हो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, कोई भी स्पेशल चीज हो, मेरी मंथली सैलरी जितनी भी आती है उसका भी एक पर्टिकुलर हिस्सा मैं हर महीने डोनेट करती हूँ, और मैंने ये मतलब वो कर रखा है कि जितना भी मैं कमाऊंगी उसका इतना परसेंटेज, चाहे मुझे कितनी भी जरूरत हो कुछ भी हो, लेकिन इतना परसेंटेज मैं डोनेट करूंगी ही करूंगी, चाहे बच्चों में करूं, बड़ों में करूं या कहीं पे वहां पे,
मंदिर जाके करूँ, कहीं भी करूँ, मैं वो डोनेट करती हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों में ही करूँ, मतलब कुछ खाने का दे दूँ, ऐसे कर दूँ जो मैं चीज करती हूँ। और ये चीज बहुत बड़ी होती है, और आई होप एक दिन भगवान जी मुझे भी इतना नवाजे कि मैं मतलब जितनी हेल्प करना चाहती हूँ उससे ज्यादा कर पाऊँ एटलीस्ट। और ये चीज मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, ये सारी चीजें मैं सोच के ही हो जाती हूँ, देख के। तो मेरे लिए पता नहीं क्या होने वाला है आज का, मेरा पूरा दिन ऐसा होने वाला है। और शायद ये देख के तो आज शाम में मैं फिर से डोनेशन के लिए चली जाऊं, चाहे भले ही मैंने दो दिन पहले किया हो, बट ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और आई होप जो कर सकता है उसको करना चाहिए। और आई होप एक दिन यूट्यूब से ही मैं इतना करने लग जाऊं कि मैं मतलब ऐसे किसी की हेल्प कर पाऊं। एंड क्या बोलूं यार, आई एम सो प्राउड ऑफ आयुष, सो प्राउड ऑफ अलीजे, जो हमेशा ऐसा कुछ करते रहते हैं। एंड भगवान जी उनको और ज्यादा दे। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।